पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि अपोजिशन को ये बात समझने की ज़रूरत है कि फ़ौज गैर जानिबदार इदारा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। निजी टीवी से गुफ्तगू में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज एंड पब्लिक रिलेशंस DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान अपने तहफ़ुज़ात मुतल्लिका इदारों के पास लेकर जाएं, सड़कों पर आकर इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान सीनियर सियासतदान हैं, जो बात कहते हैं उन्हें मालूम होता है क्या कह रहे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछनी की है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उनका इशारा इलेक्शन कमीशन, अदालतों या फ़ौज की तरफ है। अगर उन्होंने फ़ौज की बात की तो अपोजिशन के समझने की बात है कि फ़ौज गैर जानिबदार इदारा है। हम आईन और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। DGISPR का कहना था कि हमारी सपोर्ट एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत के साथ हैं, किसी एक जमात के लिए नहीं। अगर इलेक्शन की शफाइत से मुतालिक शिकायत हैं तो तहफ़ुज़ात मुतालिका इदारे के पास लेकर जाए। उनका कहना है कि फ़ौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। इलेक्शन को एक साल गुजर गया है, इसके बावजूद उनका आईनी हक है कि तहफ़ुज़ात मुतल्लिका इदारे के पास लेकर जाए। मौलाना फजल रहमान अपने तहफ़ुज़ात मुतल्लिका इदारों के पास लेकर जाएं, क्योंकि सड़कों पर आकर इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे।